देखो बच्चों, आज के क्लास में हम फिजिक्स 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से बच्चों, सिलेबस क्या है धीरे धीरे करके हम तुम लोग को आगे बताएंगे। एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में टोटल सिलेबस बताकर हम क्लास बर्बाद नहीं करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। पहले हम लोग स्टार्ट कर क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स हिंदी होता है भौतिकी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में बदल रहे हैं, उन बच्चों को के लिए थोड़ा हिंदी भी बोलेंगे। तो सभी लोगों को ध्यान देना है, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वह बच्चे इंग्लिश को देखेंगे, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट भी होंगे। तो फिजिक्स क्या है? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बोला गया कि फिजिक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब होता है प्रकृति। तो शुरुआत में लोग बोले कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना, मतलब नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ना को ही हम फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स के बारे में समझो, पंखा चल रहा है, हम आवाज बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, हमको देख पा रहे हो, नहाते टाइम में साबुन का जो झाग है वह पानी पे गिर के फैल गया, बूंदिया गोल बन रहा है, बारिश की बूंदे गोल हो रही है, हम कोई चीज सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई भी चीजें प्रकृति में, नेचर में जितने भी चीजें हैं सभी को हम फिजिक्स कहते हैं। चाय पी रहे हैं, गर्म लग रहा है, फिर ठंडा हो गया, बर्फ ठंडा लगता है, या जो भी स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां, जो भी स्थितियां, जो भी यूनिवर्स में है, सबके बारे में पढ़ाई फिजिक्स कहलाता है। तो डिफिनीशन के बारे में अगर कोई तुमसे पूछे, तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब नेचर होता है, और नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ना माने यूनिवर्स के बारे में पढ़ना ही फिजिक्स है। क्लियर है बच्चों? अब कुछ बातों को हम बता रहे हैं, ध्यान से समझो। एक कहानी बता रहे हैं, एक क्रिकेट का मैदान है, एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक टीम है इंडिया और एक टीम है पाकिस्तान, दोनों क्रिकेट मैच खेलने हैं। एक नया बच्चा सागर मैच देखने आ जाता है, इसको मैच के बारे में कोई आइडिया तो है नहीं, फिर भी मैच देखने आ गया, अपना साइड चुन लिया कि इंडिया को जिताना है, और यह अपने एक दोस्त रोहित को फोन पर इंफॉर्मेशन भी देता है कि मैच में क्या क्या हो रहा है। तो यहां पे मैच स्टार्ट हुआ, सागर भी मैच के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है, तो यह देखा कि एक बॉलर यहां से बॉलिंग कराया, यहां से बॉल इधर या बैट्समैन मारा, जिसके कारण यहां से दौड़ के यहां पहुंचा तो एक रन बोला। तो सागर बोला ओ ठीक है, मतलब यहां से यहां आ जाने के बाद एक रन बन जाता है। और फिर वह पूरा सारा चीज देखा कि यहां से यहां बाउंड्री पार कर जाएगा तो फोर बन जाएगा। तो फिर रोहित को फोन करके बताता है कि एक बाउंड्री बनाया हुआ है, अगर जमीन पे लगते हुए बॉल गया है तो फोर रन काउंट होता है। फिर उड़ते हुए पार हुआ तो फिर फोन किया, अरे बाउंड्री पार करने पे सिर्फ फोर रन नहीं बनता है, सिक्स रन भी बनता है जब उड़ते हुए पार हो जाता है। तो उड़ते हुए पार होता है तो सिक्स रन बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे ग्राउंड में बहुत सारे मैच हो रहे हैं, उस मैच में सागर अपना इंफॉर्मेशन रोहित से शेयर कर रहा है देखकर। तो इस पूरे मैच में तुम क्या देखते हो बच्चों, बहुत सारे नियम कानून पे यह मैच खेला जा रहा होगा, और सागर या जो लाज होंगे कि एक रन बना, दो रन बना, यहां विकेट गिर गया, लेग स्पिन हुआ, ऑफ स्पिन हुआ, बहुत सारा नियम रोहित को शेयर कर रहा है। तो यह जो क्रिकेट का दुनिया हुआ, अगर हम इसे यूनिवर्स माने तो इसमें कुछ नियम और प्रिंसिपल है, लाज एंड प्रिंसिपल है। वह लाज और प्रिंसिपल जो है वह उन्हीं पर यह खेल हो रहा है बच्चों। तो यही जो यूनिवर्स के बारे में पढ़ना हमारा लाज और प्रिंसिपल पर आधारित होता है, मतलब अगर नियम कानून नहीं होता तो यह क्रिकेट तो होता नहीं। तो यही लाज और प्रिंसिपल यूनिवर्स को डिफाइन कर रहा है, मतलब क्रिकेट मैच को डिफाइन कर रहा है। तो इसी लाज और प्रिंसिपल जिससे हम लोग पूरे क्रिकेट मैच यूनिवर्स को डिफाइन कर रहे हैं, उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं।
और सागर क्या है, तो साइंटिस्ट है जो संसार में होने वाली घटनाओं को देखकर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया को बताता है। यह साइंटिस्ट हो गया बच्चों सागर, और रोहित दुनिया है, दुनिया को यह इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो घटनाएं तो हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कैसे एक रन बना के क्यों बना, कैसे जीतने के लिए चार रन चाहिए था, और इसके बाद मैंने अगर यह अच्छा खेल रहा है तो कौन जीतेगा इसका फ्यूचर। अरे लग रहा है सागर बोला, लग रहा है रोहित इंडिया जीत जाएगा, तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना यह सब ही फिजिक्स है। तो कहानी को समझ रहे हो बच्चों। तो इसमें क्या हो रहा है कि दुनिया है एक खेल का मैदान जो कि एक नियम और कानून पर आधारित है, और उस नियम कानून के आधार पर ही हम यूनिवर्स को समझते हैं, वही नियम कानून जो है फिजिक्स होता है। तो क्या सागर आज के मैच में पूरा क्रिकेट समझ जाएगा? तो कभी नहीं, क्योंकि वह हर एक शॉट को नहीं देख पाएगा। हो सकता है हर एक नियम कानून जो कि आईसीसी के द्वारा बनाए गए होंगे वह सभी इस मैच में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। हो सकता है मैच इंडिया जीत गया तो यह कंडीशन नहीं देख पाएगा कि पाकिस्तान में वो अच्छा बैट्समैन भी था जो रन बना सकता है, और यह भी नहीं देख पाएगा कि मैच टाई हुआ है। तो यानी कि यह पूरा नियम को जान नहीं पाएगा। तो यूनिवर्स का जो नियम है उसमें देखो हमेशा करेक्शन होता है बच्चों, करेक्शन होता है, जिसे आईसीसी रूल्स को करेक्शन करता है। तो हर बार रूल्स को क्या करेक्शन होता है, तो लाज को करेक्शन भी किया जाता है। कभी कभी साइंटिस्ट जो होता है कोई ला लेता है और उसको फिर करेक्शन करता है कि अरे तो ला गलत था, हम गलत जान गए थे, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। कि जो मैंने एक बार बोला कि यहां से यहां पहुंचा तो यहां पे यहां से पहुंच गया तो एक रन बना, लेकिन कभी कभी रनआउट भी हो जाता है तो रनआउट का इंफॉर्मेशन भी हुआ दिया। तो लाज में करेक्शन भी होते हैं। तो फिजिक्स क्या है, तो यूनिवर्स में बहुत सारे चीजें बहुत सारे घटनाएं होती रहती हैं, उन सभी घटनाओं के बारे में नियम और कानून के साथ पढ़ना, नियम कानून के साथ पढ़ना ही फिजिक्स है बच्चों। तो फिजिक्स क्या है, तो चीजें यूनिवर्स में हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और उनके आधार पर फ्यूचर का डिसाइड करना ही फिजिक्स है। ध्यान दोगे बच्चों, मान लिया जाए, कहानी और सुनाते हैं, नेक्स्ट ध्यान देना। देखो बच्चों, रिचर्ड फिनमैन एक साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज जीते हुए साइंटिस्ट हैं। वह फिजिक्स को समझाने के लिए कहानी बताते हैं। वह कहानी बताते हैं कि एक चेस बोर्ड है, चेस खेले हो ना, शतरंज, 8x8 का बोर्ड होता है, 8x8 का एक बोर्ड होता है, इधर से भी 8। ठीक है बच्चों, 8x8 का बोर्ड होता है, यहां सब सिपाही खड़ा रहता है और इधर हाथी रहता है, ऊंट रहता है, हाथी घोड़ा ऊंट राजा मंत्री सब रहता है, इधर भी सब रहता है। ठीक है, और एक प्लेयर यहां पे प्लेयर वन प्लेयर फर्स्ट खेल रहा है, और एक प्लेयर प्लेयर टू चेस को खेल रहा है, और फिर यहां पे अक्षय नाम का एक बच्चा यहां पर चेस को देख रहा है, और वह एक लड़का है उसको रोहित को फोन करके बताता है। तो या अपना भाई चुन लो, डिसाइड कर लो कि भाई कौन साइड में तुम हो। अब मैच होना स्टार्ट हुआ तो यह एक सिपाही को एक प्लेस आगे बढ़ाया, तो फोन किया अक्षय, रोहित सिपाही एक प्लेस आगे बढ़ता है सीधे। फिर उसके बाद बोला कि वो ऊंट था, वो तिरछा में चलता है, कितना भी चल सकता है, तो सब नियम बताते जा रहा है। एक हाथी है जो सीधा में चलता है, घोड़ा जो है वो ढाई चलता है, तो बहुत सारा रूल बताते जा रहा है। अक्षय जो है रोहित को खेल देखते 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 सब ला को बताते जा रहा है, लाज एंड प्रिंसिपल को बता रहा है। तो दुनिया चल रहा है लाज और प्रिंसिपल को रोहित को बता रहा है। फिर एक दिन क्या होता है कि यहां पे वो सिपाही आता है, यहां पे वो सिपाही इसका आता है, इसको इसे मार देता है। तब अक्षय फिर रोहित को फोन करता है, अरे सिपाही जो है ना चलता तो सीधे है, लेकिन जब मारना होता है ना दूसरा वाला सिपाही को तो तिरछा मारता है, यानी ला में करेक्शन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो चेस बोर्ड है यही यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो है लाज और प्रिंसिपल पर चल रहे हैं, यही लाज और प्रिंसिपल जो है फिजिक्स है। और अक्षय जो है वो साइंटिस्ट है जो लाज और प्रिंसिपल का
ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड रोहित को बता रहा है। तो समझ गए बच्चों, मतलब दुनिया जो है, नेचर जो है, यूनिवर्स जो है, उसमें यूनिवर्स चल रहा है, उसमें थिंग्स हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो कुछ नियम कानून से हो रही हैं, जिस नियम कानून को साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को बताते हैं, और जिन लॉ और प्रिंसिपल के मदद से हम यूनिवर्स को जान पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उसी लॉ और प्रिंसिपल को हम फिजिक्स कहते हैं। तो चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और उनके हिसाब से हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, वही फिजिक्स होता है। तो नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहलाता है, जो एक्सपेरिमेंट पर आधारित होता है बच्चों। तो ध्यान दिए, यूनिवर्स क्या है, और लाज में करेक्शन होता है। तो यानी कि जो अक्षय है, यहां बैठ के दुनिया का हर एक चेस का मूव नहीं सीख सकता है एक बार देखकर, क्योंकि ऐसा बहुत सारा मूव होगा जो इस मैच में नहीं हुआ होगा, तो वह नहीं सीख पाएगा। यानी कि यूनिवर्स में बहुत सारे लॉज और प्रिंसिपल ऐसे भी है जो अभी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या साइंटिस्ट तक पहुंचा ही नहीं है। तो जो नियम, जैसे कि कहने का मतलब है, हम मार्कर को छोड़ दिए तो वह नीचे गिर गया, तो यह नियम है कि अर्थ जो है इसको खींच लिया, यानी अर्थ किसी भी बॉडी को नीचे खींचता है और खींचाने के कारण नीचे गिरता है, तो यही तुम्हारा फिजिक्स है। यूनिवर्स में घटनाएं घटित हो रही हैं, दिन रात हो रहा है, गर्मी ठंडा लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, और इसके आधार पर हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, यही मेरा फिजिक्स है बच्चों। तो अभी तक के फिजिक्स के कहानी में तुम लोग आज फिजिक्स में कहानी सुनाए हैं, उस कहानी में तुम लोग समझो कि फिजिक्स क्या है बच्चों। तो नेचर मतलब प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहलाता है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहलाता है। और फिजिक्स में वाई मतलब क्यों, हा एंड हाउ, कैसे थिंग्स हैपन मतलब कैसे कोई चीजें होती हैं, क्यों होती हैं और कैसे होती हैं कोई चीजें, इसके बारे में पढ़ाई। यूनिवर्स में चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर, और इसके आधार पर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यही फिजिक्स है। जिन सिद्धांतों में इन चीजों को तुम जोड़ पाओ वह फिजिक्स है। क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और इसके आधार पर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर हम मार्कर छोड़ दे रहे हैं तो यह नीचे गिर रहा है, तो क्यों नीचे गिर रहा है, तो पृथ्वी इसको खींच रहा है, अर्थ इसको खींच रहा है। कैसे गिर रहा है मतलब कितना टाइम में गिरा, कितना वेलोसिटी से गिरा, इसके बारे में जानना, और इसके आधार पर फ्यूचर जानना कि छत पे भी चढ़ के गिरा देंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो कहने का मतलब यही है बाबू फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, डिफिनेशन के आधार पर अगर हम बोले तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स नेचुरल फेनोमेना। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ाई जो है वही फिजिक्स कहा जाता है। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, फिजिक्स इज लॉज एंड प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब यूनिवर्स या नेचर। मतलब ब्रह्मांड को या प्रकृति को वर्णन करने के लिए जिन लॉज और प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ते हैं वही तुम्हारा फिजिक्स होता है। फिजिक्स जो हमें बताता है कि चीजें हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और इसके आधार पे हम फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि तुम फिजिक्स को समझ पा रहे होगे। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए अब हमें हथियार का जरूरत है। हथियार का जरूरत में सबसे पहला टर्म आता है बाबू फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है बच्चों, ध्यान दो, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक, हिंदी लिख दे रहे हैं बच्चों, भौतिक राशियां। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी लिखते चल रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वह कन्वर्ट हो जाएंगे हिंदी कम होते जाएगा, लेकिन मन में विश्वास रख के, अपने आप पे विश्वास रख के पढ़ाई को करना है। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो पहले फिजिक्स और मैथ के बारे में एक बात कर रहे हैं, फिजिक्स क्या है और मैथ क्या है, फिजिक्स मैथ्स। ध्यान दो बच्चों, मान लिया जाए हम लोग को दिल्ली से मुंबई को ट्रेवल करना है, दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करना है, और एक खटारा बस में ट्रेवल करना है जिसमें बैठने का भी जगह नहीं है,
तो खटारा बस में हम लोग दिल्ली से मुंबई तक ट्रेवल कर रहे हैं और बहुत दिक्कत के साथ, तो हो सकता है हम आधा रास्ता उतर जाए, हम बड़ा दूर बहुत दूर तक जा ही ना पाए। लेकिन अगर यही लग्जरी गाड़ी हो, सारी सुख सुविधाएं खाना पीना सब हो और रास्ता में सब सुख सुविधाओं के साथ हम लोग को ट्रेवल कराना हो तो हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो देखो फिजिक्स क्या है बच्चों, तो लॉज और प्रिंसिपल पर आधारित था, नियम कानून पर फिजिक्स आधारित था जो कि यूनिवर्स को हम लोग देख रहे थे। मान लिया जाए यहां से हम लोग कोई चीज गिरा है तो कितना देर में गिरा यह हम निकाल लिए। हमको बोला कि 10 मीटर ऊंट हाइट पे जाओ और वहां से गिराओ कितना देर में गिरेगा बताओ, तो हम लोग 10 मीटर हाइट पे गए वहां से गिरा दिए। फिर बोला 100 मीटर हाइट पे चले जाओ और वहां से गिराओ कितना देर में गिरेगा बताओ, कितना टाइम में गिरेगा जमीन तक बताओ। तो हमको 100 मीटर हाइट, तो 100 मीटर का बिल्डिंग बनाना होगा। अगर मान लो 100 मीटर का बिल्डिंग बना भी लिए 100 मीटर हाइट का, मैंने बोला कि एक घर का बात बोल रहे हैं कि 3 तल्ला पे से गिराओ, तो 3 तल्ला बिल्डिंग से जाके चढ़ के गिरा दिए। फिर बोला 50 तल्ला के बिल्डिंग से गिरा के दिखाओ कितना देर में गिरेगा। फिर बोला 150 तल्ला के बिल्डिंग से गिराओ, तो 150 तल्ला का बिल्डिंग है ही नहीं। तो मतलब कहने का मतलब समझो बच्चों कि कभी कभी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कि कितना टाइम लगेगा उसको हमको नापना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो मैथ्स क्या है, तो बोला जाता है मैथ्स फिजिक्स का भाषा है, मैथ्स जो है वह लैंग्वेज है फिजिक्स का। मतलब फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल को हम इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में लिखते हैं, फिजिक्स के नियम और कानून को हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। और वह इक्वेशन किसके कहां से आता है, वो तो मैथ्स से। तो फिजिक्स को व्यक्त करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए मैथ का यूज होता है। जैसे कि मान लिया जाए h बराबर 5t² फॉर्मूला दे दिया कि हाइट से गिराने पर यह फॉर्मूला है, टाइम t है और h हाइट है। अगर यह इक्वेशन दे दिया तो कितना भी हाइट रखो टाइम खट से निकल गया, मतलब 100 मीटर हाइट दिया तो 100 रखे हैं टाइम निकाल लिए। यानी कि अगर इक्वेशन हो और फॉर्मूला हो तो हम आसानी से चीजों को सोल्व कर सकते हैं। वही मतलब देखो बच्चों फिजिक्स जो है नियम और कानून पर आधारित था, जो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल पर आधारित था, ठीक है बच्चों। तो यह एक लिमिटेड था कि दिल्ली से खटारा बस में कुछ दूर तक ही हम जाएंगे, लेकिन जब उसमें मैथमेटिक्स जोड़ दिए, इक्वेशन जोड़ दिए, तो हम सुख सुविधा बढ़ा दिए। मतलब इक्वेशन जब जोड़ दिए तब कितना भी हाइट से गिराएंगे टाइम निकाल लेंगे क्योंकि अब मेरे पास फॉर्मूला है। तो लॉज और प्रिंसिपल को इक्वेशन के रूप में व्यक्त करते हैं, इक्वेशन फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि फिजिक्स का लैंग्वेज ही मैथ है। तो मैथ क्या है इस बार वो समझ गए होगे आज। तो अभी तक मैं तुमको चीजें पढ़ाई गई कि फिजिक्स क्या है। देखो आज लिख कुछ नहीं रहे हैं, आज समझा रहे हैं फिजिक्स क्या है बच्चों। तो नेचर में, यूनिवर्स में चीजें होती हैं, वह क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और इसके आधार पर फ्यूचर कैसे पता चलेगा, यही बाबू फिजिक्स है। फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल को, यूनिवर्स को व्यक्त करने के लिए हमें लॉज और प्रिंसिपल लेते हैं, वह साइंटिस्ट हमें बताते हैं, जिसमें करेक्शन होते रहता है। उन लॉज और प्रिंसिपल को बहुत दूर तक ले जाने के लिए हम लोग मैथ का यूज करते हैं और मैथ जो है वह लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। तो मैथ जो होता है वह फिजिक्स रेंज को बढ़ाता है जहां पे हम फ्यूचर को अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इन सभी चीज को मेजरमेंट करने के लिए और फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिकल क्वांटिटी आता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, तो वह सभी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सकता है, मतलब मापा जा सकता है, जिनको नाप माप सकते हो और जो फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने में हेल्प करे हमें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब यूनिवर्स के लॉज और प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करने के लिए मेजर्ड क्वांटिटी, मतलब मापे गए क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। बात समझ रहे हो बच्चों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लंबाई मतलब लेंथ, तो 5 मीटर नाप लिए, टाइम नाप लिए, किलोग्राम में वेट नाप, मास नाप लिए, द्रव्यमान नाप लिए। तो जिन चीजों को नाप सकते हो, माप सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है अभी कहानी बच्चों। तो ध्यान दो फिजिक्स क्या है। तो अभी तक के कहानी में हम लोग कहानी क्या क्या जाने उसको समझोगे बच्चों। तो अभी तक के कहानी में हम लोग समझे हैं यह कि फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, तो नेचर मतलब प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना, नेचुरल फेनोमेना। जो बच्चे हिंदी माध्यम के होंगे और इंग्लिश माध्यम में कन्वर्ट कर रहे होंगे
उन बच्चों के लिए बोलना है कि बाबू धैर्य रखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, गड़बड़ाना नहीं। तुम्हारा एक गलत डिसीजन तुमको बहुत पीछे ले जा सकता है, इसलिए गलत डिसीजन मत लेना। अपने आप बिलीव करो, विश्वास रखो, सेल्फ बिलीव ही तुमको आगे बढ़ाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे इसका है why and how things happen, कोई भी चीजें क्यों और कैसे होती हैं, एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर। अगला टर्म आता है फिजिक्स के डिफिनेशन में बाबू, लॉज एंड प्रिंसिपल का पढ़ाई है, यह नियम और सिद्धांत का पढ़ाई है। प्रिंसिपल डेट डिस्क्राइब नेचर बोलो या यूनिवर्स बोलो। ठीक है, इसके बाद आता है बाबू मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में सिंपल कहानी है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स और यह रेंज बढ़ाता है फिजिक्स का, ठीक ना। लॉज एंड प्रिंसिपल जिसे F=ma में पढ़े हो गए ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ, नाइन्थ क्लास में सब जल्दी जल्दी भी लेके चल रहे हैं, नाइन्थ में पढ़े होंगे, इसलिए बार बार बोल रहे हैं नाइन्थ की चीजों को भी पढ़ो। लॉज एंड प्रिंसिपल आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, समीकरण के रूप में नियम और सिद्धांतों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। टू इंक्रीज रेंज ऑफ फिजिक्स का रेंज मैथ के बिना चलता ही नहीं, फॉर्मूला इक्वेशन नहीं रहता तो हर एक काम के लिए एक्सपेरिमेंटे करना पड़ जाता है, तो फिजिक्स का रेंज बढ़ाने के लिए मैथ बहुत जरूरी है। तो बोल सकते हैं कि फिजिक्स जो है इनकम्प्लीट है मैथ के बिना, और फिजिक्स नहीं रहता तो मैथ का मतलब ही नहीं रहता, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरा से इनकम्प्लीट है, दोनों एक दूसरा के बिना, ठीक है बच्चों। ये लाइन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोले हैं, ध्यान दो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, भौतिक राशियां क्या है, जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, जो भी है फिजिकल क्वांटिटीज जो है उन्हें हम लोग बोलते हैं मेजरेबल, जिन्हें मापा जा सकता है, मेजरेबल बाय इंस्ट्रूमेंट, जिन चीजों को नापा जा सके वह फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि मान लो लंबाई तुम नाप सकते हो, टाइम नाप सकते हो, मास द्रव्यमान नाप सकते हो तुम, चाल वेग नाप सकते हो, स्पीड वेलोसिटी नाप सकते हो, तो जिसको नाप सकते हो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वह फिजिकल क्वांटिटी है, और यही क्वांटिटीज फिजिकल वर्ल्ड के लॉज और प्रिंसिपल को में जो इक्वेशन आता है वही है। जैसे F=ma आया तो F=ma में एफ या एम या ए जो है यही सब जो चीजें हैं यही फिजिकल क्वांटिटी होती है, यही नाप माप के लिए इक्वेशन बना है। तो क्लियर बात समझ रहे हो बच्चों, तो इसको नोट कर लोगे, इस पॉइंट को नोट कर लोगे कि हम लोग क्या बताएं, फिजिक्स क्या है, मैथ क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जो बच्चे लैंग्वेज बदल रहे हैं, हिंदी भी खुद से लिखेंगे, वैसे बातों को समझो। यूनिवर्स नेचर में जो भी चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इनके लॉज और प्रिंसिपल्स के मदद से हम यूनिवर्स को पढ़ते हैं, और यही पढ़ाई फिजिक्स है। तो कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, यानी कि फिजिक्स को पढ़ने में तो बहुत मन लगने वाला है। अगर सब कुछ पढ़ेंगे, हमको गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, एसी चलाने में ठंडा कैसे हो जा रहा है, फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, मैंने फिजिक्स 11 12 का जो फिजिक्स होता है वह बेस्ट चीज होता है बाबू पढ़ने के लिए, इसलिए जरूर से जरूर साइंस लेके पढ़ना चाहिए और फिजिक्स तो जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए ध्यान दो बच्चों, आगे कुछ बता रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, जो बच्चे हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएंगे, घबराने का बात नहीं, सब कुछ हम तुमको सिखाएंगे ही। आंसर कैसे लिखा जाता है, बुक कैसे पढ़ा जाता है, रीडिंग कैसे दिया जाता है, सब कुछ हम तुम लोग को सिखाएंगे। और यह जो है भाषा इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी भाषा के बारे में नहीं बात होगा, टोटल तुम चीज जान जाओगे, और एकदम नॉर्मल बच्चा से IIT NIT तक NDA तक बोर्ड में 90% से ऊपर लाने तक
कैसे तुम बनोगे, चैनल को बस देखते रहना है, शेयर करना है। ध्यान दो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल है, फिजिकल क्वांटिटी नापे मापे गए हैं, मापे जा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो नपाएगा तो कुछ चीज में तो नपाएगा, तो यूनिट आता है, यूनिट टर्म आता है बाबू, यूनिट। यूनिट का हिंदी होता है मात्रक, यूनिट का हिंदी होता है बाबू मात्रक। जो मापने योग्य है वह फिजिकल क्वांटिटी है, और किसी चीज को नापोगे किसी चीज में तो वो मात्रक होता है। अब मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मान लिया जाए कि अगर हम लोग बोले कि तीन बच्चा है, तीन लड़का है, और तीनों लड़का आलू बेचता है, तीनों आलू बेचने वाला है, तो तीनों आलू बेचने वाला है और यह आलू बेच रहा है, एक डब्बा रखा है, एक डब्बा रखा है, उस डब्बा में, और यह जो है, यह जो बच्चा है, यह एक झोला रखा है, एक झोला रखा है, ठीक। और इसके पास जो है एक मुर्गा है, एक मालूम बाबू मुर्गा है, ठीक। अब एक चौथा बच्चा भी ले लो, इसके पास एक पत्थर, एक स्टोन है, ठीक है। तो अब आलू खरीदने तुम गए, चार दुकानदार है बाबू, आज बच्चा, चार बच्चा आलू बेच रहा है। तुम दुकानदार पास गए, बोले कि बाबू आलू कैसे दोगे, तो बोला 20 रुपया में एक डब्बा देंगे। तो बोला है मतलब क्या मतलब कह रहे हो तुम, तो बोला कि 20 रुपया एक डब्बा में भर के दे देंगे, वही आपका आलू हो गया। इससे पूछा कि तुम कैसे दोगे, तो बोला 35 रुपया में एक झोला भर के देंगे। ई बोला कि हम आलू कैसे देंगे, तो बोला कि 10 रुपया मुर्गा देंगे। तो 10 रुपया मुर्गा मतलब तुम तराजू जो है, एक तरफ मुर्गा रख देंगे, एक तरफ आलू तोलेंगे, एक तरफ मुर्गा चढ़ा देंगे, एक तरफ आलू तोलेंगे, और मुर्गा के बराबर वजन का आलू आपको 10 रुपया में देंगे। इससे पूछने गया तो बोला कि हम 20 रुपया में स्टोन के बराबर देंगे, एक तराजू में एक तरफ पत्थर रखेंगे और एक तरफ आलू रखेंगे, 20 रुपया में देंगे। तो किससे खरीदने वाले हो तुम, पता नहीं चला कि कौन ज्यादा आलू दे रहा है। अगर क्वालिटी सबका सेम है तो पता ही नहीं चला कि कौन अधिक दे रहा है, कौन कम दे रहा है, क्या कर रहा है, कि इसका डब्बा में पत्थर से ज्यादा आलू अट रहा है कि कम अट रहा है, कि बराबर अट रहा है, तुमको पता ही नहीं है। तो हर आदमी दुनिया का अपना अलग अलग मात्रक अगर यूज कर लेगा चीजों को नापने मापने में, तो बहुत टेंशन होगा। अब मात्रक क्या है, तो आलू का वजन, माने आलू का जो वजन है, मास जो है, द्रव्यमान जो है, या उसको नापने मापने के लिए सब आदमी अलग अलग चीज यूज किया, तो इन सब के लिए आलू के द्रव्यमान का यही मात्रक हो गया, मैंने मास के लिए यही सब इसके लिए यूनिट हो गया। तो बात को समझना बच्चों ध्यान से, तो हर आदमी अपना मात्रक, अपना यूनिट बना सकता है। प्रॉब्लम तो बहुत होने वाला है, तुम खरीद और मान लो 20 रुपया किलो, 22 रुपया किलो, 18 रुपया किलो, 16 रुपया किलो देता तो 16 रुपये वाला से जाके खरीद लेते, यानी कि दुनिया में कंपेयर नहीं हो पाता अगर सब कोई अपना अपना हिसाब से चीज को नापता मापता। जैसे कि मान लिया जाए मेरा नाम हो गया सुनील, तो अगर हमको कोई चीज बेचना नापना है तो बोलेंगे कि कितना दूर आपका घर है जी यहां से, तो हम बोले ना 100 सुनील, तो 100 सुनील मतलब, तो हम अपने एक हाथ के लंबाई को 1 सुनील माने हैं, यानी कि 1 सुनील एक हाथ का लंबाई है, तो 100 बार अपने हाथ के लंबाई के बराबर चलेंगे, मीटर किलोमीटर हम नहीं जानते हैं। तो यानी कि दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी नापी मापी जा सकती है, हर आदमी चीजों को अपने हिसाब से अपने मेजरमेंट में नाप माप सकता है, जिस चीज में वो नापता है उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। बात समझो, मान लो बच्चों कि तुम्हारे पास एक एक मुर्गा है और एक बकरी है, और मान लेते हैं कि तुम हो या तुमसे पूछा गया कि तुम्हारा वजन कितना है, तो बोले तुम अपना वजन बता रहे हो कि 20 मुर्गा, तो 20 मुर्गा मतलब तुम्हारा वजन है 20 मुर्गा, मतलब कि 20 को मुर्गा के वजन के बराबर तुम्हारा वजन है। तो तुम अपने वजन को नापने के लिए, अपने मास को नापने के लिए, द्रव्यमान को नापने के लिए यूनिट में क्या यूज कर रहे हो, तो मुर्गा। अगर तुमसे पूछा बकरी का वजन कितना है, तुम बोले 10 मुर्गा, यानी कि तुम वजन नापने के लिए तुम क्या यूनिट यूज कर रहे हो, तो मुर्गा का। अगर तुमसे पूछा गया कि तुम्हारा वजन क्या है, तुम बोले 2 बकरी, इसका मतलब तुम वजन को नापने के लिए किसका यूनिट यूज कर रहे हो, तो बकरी को। तो इसका मतलब
कि स्मॉलेस्ट चीज जो हम मेजरमेंट में यूज करते हैं वही तुम्हारा यूनिट होता है। समझ में कुछ आ रहा है यूनिट क्या है? तो बहुत सारे बच्चे भी दिमाग में रहे सर किलोग्राम ग्राम बताइए ना, लेकिन सोचो बाबू क्या हम बताना चाह रहे हैं, हम बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तुम्हारा। यूनिट क्या है? तो दुनिया में किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापा मापा जा सकता है। नापने मापने के लिए तो हर आदमी साइंटिस्ट है, हर आदमी मैच देखने जा सकता है, हर आदमी चेस खेलने जा सकता था, हर आदमी चेस देखने जा सकता था, तो हर आदमी अपना साइंटिस्ट था, तो हर आदमी अपने हिसाब से चीजों को नाप माप सकता था। तो जिसमें तुम नापते हो वही यूनिट होता है। मैंने कोई तुमसे पूछेगा कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मीटर नहीं होता है, बहुत सारा चीज होता है। लेंथ का यूनिट तुम्हारा ये हाथ का लंबाई भी होता है। क्लियर है बच्चों? तो यूनिट क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने में जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वही यूनिट है। अब हो सकता है वो स्टैंडर्ड हम गलत नाप रहे हो, गलत माप रहे हो, जो कि बाकी दुनिया नहीं नाप रहा हो। मेरा ही मुर्गा से थोड़ी दुनिया चला देगा अपना वजन का नाप। तो कहने का मतलब है तो इसके लिए कमिटी का गठन किया गया, कमिटी बनाया गया, बोला गया कि भाई आप अपने फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट दे दीजिए, उसी से दुनिया यूनिट को नापेगा। तो क्यों दिया गया? तो यूनिट का काम क्या है? कंपेयर करना। अगर एक आदमी वजन जो है अलग यूनिट में नापता है, एक आदमी वेट अलग यूनिट में नापता है, तो दोनों आदमी कभी कंपेयर ही नहीं हो पाता। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई तुमसे बोलता कि हम उससे लंबा है, उससे छोटा है या उससे बड़ा है, तो वह उससे जो है वही यूनिट है जिसके तुम कंपेयर में नाप रहे हो। जैसे कि एक मम्मी है जिनका बेटा है गोलू, और गोलू को ही वह यूनिट मान के चल रही है, तो वह किसी को बोलती गोलू से मोटा है, गोलू से पतला है, गोलू से लंबा है, गोलू से छोटा है, तो उनके लिए गोलू ही मेजर्ड क्वांटिटी का यूनिट है, उसी से वो दुनिया को कंपेयर कर रही है, तो उनके लिए यूनिट क्या हुआ? गोलू हुआ। क्लियर है बच्चों? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज होता है, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं, जो हर आदमी अपना अलग अलग नाप माप सकता है। लेकिन कमिटी बनाया गया कि भाई कमिटी बना लिया जाए कि हर आदमी एक ही सिस्टम को फॉलो करते हुए यूनिट को नापे, जिससे चीजें कंपेयर हो सके। ध्यान दो, हर आदमी जो है अलग अलग यूनिट नाप लेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता, तो एक कमिटी बनाइए, उस कमिटी में जैसे मास को किलोग्राम में नापिए, तो सब कोई किलोग्राम में नापेगा तो कंपेयर हो जाएगा ना, तो इसलिए मास का यूनिट फिर किलोग्राम दिया गया। तो मास का यूनिट किलोग्राम कब होता है? तो ऐसा यूनिट होता है, मन तुम्हारे लिए तो मुर्गो यूनिट था, बकरियों यूनिट था, समझ रहे हो ना? तो यूनिट क्या है? तो टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने के लिए स्टैंडर्ड चुना जाता है, उस स्टैंडर्ड को ही हम यूनिट कहते हैं। बाद में फिर बताया गया कमिटी के द्वारा कि यूनिट नापने में इन सब चीजों का भी कलेक्शन करना पड़ेगा कि भाई वो कॉन्स्टेंट हो, मुर्गा मत नाप लो कि कल ज्यादा खा के और मोटा हो जाए, समझ रहे हो ना बच्चों? तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास गया है, आज पहला क्लास था फिजिक्स का। सभी लोग आज की क्लास को देखे समझे, आज तो पढ़ाई कुछ हुआ नहीं, बातचीत हुआ। सभी लोग वीडियोज को लाइक और शेयर कर देंगे, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे पढ़ाई का जो है ना, हम तुमको पढ़ाने नहीं आए हैं, हम तुमको सिखाने आए हैं कि फिजिक्स क्या होता है, कैसे होता है, तुम सब कुछ सीख जाओगे और एक ऊंचा मुकाम तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।